fact is that Mr. Rahul Gandhi is going to this place, Hyderabad University. But what about what's happening in Chennai, in near Chennai, and in Virupuram? When without an inquiry into the matter and getting to the truth of it, what is the use of joining the protest? And he's not an educationist. He himself has failed all, most of his exams. So why should you enter into this? विद्यार्थियों के परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है. ऐसे समय वहाँ जाकर राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं. मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी का राजनीति का अड्डा न बनाए. उन्होंने पार्लियामेंट को अड्डा बनाया है, उनका अधिकार है. वो फिर से अधिवेशन हो रहा है, उसमें जो करना है वो पार्लियामेंट में करें. पर विद्यार्थियों की भविष्य की चिंता करते हुए यूनिवर्सिटी को राजनीति का अड्डा न बनाए. कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के और दलित आदिवासी और कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ती रही है और भाजपा उसका विरोध करती रही है. राहुल गांधी जी कहीं पर भी दलित पिछड़े वर्ग और उत्पीड़ित लोगों का कहीं पर भी पूरे देश भर में अन्याय होगा उनके साथ में है और उनके साथ में आवाज बन रहे हैं. भाजपा को घबराहट इस बात की हो रही है कि एक तरफ राहुल गांधी जी दलित पिछड़े वर्ग और जरूरतमंदों की आवाज बन गए हैं और भाजपा केवल अपने धनाढ्य मित्र पूंजीपतियों की आवाज बन गई है.